हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूँ राशिका प्रधान और आज आपको सिखाने वाली हूँ कि मसालेदार और चटपटा भुट्टा कैसे बनाया जाता है। हम लेंगे एक फ्रेश और ताजा भुट्टा, हम उसकी कवरिंग निकालेंगे। आप शायद कॉर्न के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स नहीं जानते, बट हाँ मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। कॉर्न में बहुत सारा प्रोटीन होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और साथ ही साथ उसमें होता है बहुत सारा फाइबर। आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे कैसे बनाऊंगी। आप देख रहे हैं कावाची का इलेक्ट्रिकल बारबेक्यू ग्रिल। ये इतना स्पेशियस है कि एटलीस्ट आप इसमें 3-4 भुट्टे तो आराम से बना पाएंगे। हम डालेंगे एक वुडन स्टिक। ये स्टिक उसको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी ताकि हम इसे ग्रिल कर पाए। चीज आपको जरूर बताना चाहूंगी कि हमारा कावाची का इलेक्ट्रिकल बारबेक्यू ग्रिल कुछ ही सेकंड्स में गर्म हो जाता है। आपको करना होगा उसका स्विच ऑन और ये हो जाएगा रेडी। आइए मैं अपने भुट्टों को इसमें आराम से रख देती हूँ। दोस्तों, तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये भुट्टा धीरे धीरे पकता जा रहा है, टेस्टी होता जा रहा है, क्रंची होता जा रहा है। मेरा तो दिल लग रहा है कि कब ये जल्दी से बने और मैं इसे कब खाऊं और आपको खिलाऊं। बस कुछ ही सेकंड्स में मेरा भुट्टा रेडी हो जाएगा, रेडी टू सर्व चटपटा कुरकुरा भुट्टा। कितनी अमेजिंग खुशबू आ रही है। ओह माय गॉड, इस खुशबू से मुझे मेरा स्कूल याद आ गया कि जब हम लोग स्कूल बंक करके बाहर भुट्टे वाले के पास भुट्टे खाने जाया करते थे। अब मैं लूंगी अपना गरम गरम भुट्टा और साथ ही साथ खट्टा खट्टा नींबू लूंगी। आप थोड़ा सा चाट मसाला यूज कर सकते हैं। गरम गरम भुट्टा, खट्टा खट्टा नींबू और साथ ही साथ मीठा मीठा कॉर्न, मिलके बनेगा चटपटा कॉर्न। तो किस चीज का करें आप इंतजार? अगर आप खाना चाहते हैं ऐसी ही क्रिस्पी और मसालेदार भुट्टा, तो जल्दी से लेकर आए कावाची का इलेक्ट्रिकल बारबेक्यू ग्रिल।